जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंट्रोल यूनिट दो तो तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट आज के लेक्चर में हम हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की चर्चा भविष्य में दूसरे लेक्चरों में करेंगे ये हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का सर्किट डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम है एक्चुअली इसमें आप देख पा रहे हैं दो डिकोडर हैं, एक सीक्वेंस काउंटर है और यहां प्रोग्राम right? एग्जीक्यूट होता है मेमोरी में स्टोर होते हैं सारे प्रोग्राम प्रोग्राम क्या होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्राम का पहला इंस्ट्रक्शन जाके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसमें जाके लोड हो जाता है और यहाँ पे वो डिकोड होता है ये डिकोडिंग का काम कंट्रोल यूनिट का होता है अब हम देख रहे हैं हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को कैसे डिकोड करती है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं ये इंस्ट्रक्शन को दो पार्ट में डिवाइड होता है एक तो एड्रेस पार्ट और ये ऑपरेशन कोड पार्ट ये ऑपरेशन कोड पार्ट में बिट नंबर ट्वेल्व बिट नंबर थर्टीन बिट नंबर फोर्टीन ये बिट्स डिसाइड करती हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ये तीन बिट को डिकोड करने के बाद कौन सा ऑपरेशन जनरेट होगा ये ये थ्री बाई एट डिकोडर डिसाइड करेगा और ये फिफ्टीन बिट जो है ये मोड सिलेक्शन बिट आई ये डिसाइड करती है कि ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शन है कि ये रजिस्टर इंस्ट्रक्शन uh, है या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है तो ये बिट नंबर 12 बिट नंबर 13 बिट नंबर 14 की जो तीन बिट हैं ये 3 बाय 8 डिकोडर के इनपुट पे जाती हैं तो इन तीनों बिट के कॉम्बिनेशन से इन आठों में से कोई एक लाइन इनेबल होगी माना कि 000 जो पहला है वो एडिशन है तो जब ये जीरो जीरो होंगे तो ये D0 जो लाइन है, सिग्नल है ये हाई होगा और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ये कॉम्बिनेशनल कंट्रोल लॉजिक वो सारे कंट्रोल सिग्नल्स को जैसे कि यहां पे हम 16 बिट कॉमन बस में देख पा रहे थे पिछली बार कि ये जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स उसके लिए चाहिए होते हैं इसके अलावा भी और भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जैसे एडर एडिशन को परफॉर्म करने के लिए एडर के किसी सिग्नल uh, को इनेबल करना पड़ेगा ये सारे जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो ये कॉम्बिनेशनल कंट्रोल लॉजिक वो सारे कंट्रोल सिग्नल्स यहां से जनरेट करता है तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन कोड की बिट नंबर ट्वेल्व बिट नंबर थर्टीन बिट नंबर फोर्टीन के जित कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन तीन बिट के ये एट कॉम्बिनेशन है जीरो 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 हर एक कॉम्बिनेशन में कोई एक कंट्रोल सिग्नल इनेबल होगा इसके कॉम्बिनेशन के अनुरूप कोई एक इनमें से कंट्रोल सिग्नल यहां पे इनेबल होगा और उसके बेस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये कंट्रोल लॉजिक गेट्स ये जो है वो नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेंगे ये फोर बिट का सीक्वेंस काउंटर है ये फोर बिट का है इसका मतलब ये टू रेस टू पावर फोर यानी 16 सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स को जनरेट कर सकता है जीरो टी जीरो से लेकर टी तक जो सिक्सटीन स्टेट्स हैं उनको ये जनरेट कर सकता है कंट्रोल T0 से लेकर T15 तक 16 टाइमिंग सिग्नल्स को ये जनरेट कर सकता है यानी कि ये जो कंट्रोल यूनिट है कोई भी इंस्ट्रक्शन इसमें अगर इसमें बिट सीक्वेंस काउंटर जुड़ा हुआ है तो ये कंट्रोल यूनिट ऐसे ही ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है जो मैक्सिमम 16 टाइमिंग यूनिट के अंदर टाइम यूनिट के अंदर उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर पाए तो इसका मतलब कोई भी ऐसा ऑपरेशन यह कंट्रोल यूनिट नहीं परफॉर्म कर पाएगी जिसको परफॉर्म करने के लिए 16 टाइम यूनिट से ज्यादा टाइम लगता हो क्योंकि ये फोर बिट सीक्वेंस काउंटर T15 यानी 16 टाइमिंग कंट्रोल यूनिट टाइमिंग क्या 16, क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट सिक्सटीन टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करने के बाद रीसेट हो जाएगा और फिर से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह से फिफ्टीन स्टेट में जाएगा और फिर से रीसेट हो जाएगा अब दो तरीके हैं एक तो ये अपनी सारी जो सीक्वेंस काउंटर है जीरो से लेकर फिफ्टीन तक वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्टीन तक सारे सीक्वेंस में जाए और उसके बाद आ, 16th स्टेट में जाके फिर रीसेट हो जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से या फिर इसमें एक के क्लियर सिग्नल है अगर किसी भी ऑपरेशन जो भी अगर ऐसा ऑपरेशन है जो 16 टाइम यूनिट से कम में खत्म हो गया माना तीन टाइमिंग सिग्नल सी चाहिए थे उसे उसमें कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये क्लियर सिग्नल इनेबल हो जाएगा तो फिर से ये इसको बीच में भी इंटरप्ट किया जा सकता है यानी कि 16 या उससे कम टाइम यूनिट को जनरेट करने के बाद इसको बीच में इंटरप्ट भी किया जा सकता है और हर टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के बाद टाइमिंग सिग्नल को जनरेट करने के बाद ये इंक्रीमेंट होता रहता है वन टू थ्री फोर कब तक सिक्सटीन तक सिक्सटीन के बाद ये क्लियर होगा तो फिर से जीरो से काउंट करना शुरू कर देगा और इसमें ये जो मास्टर क्लॉक जनरेटर है उससे ये क्लॉक सिग्नल आ रहे हैं और इस बिट सीक्वेंस काउंटर का जो आउटपुट है ये फोर बाई सिक्सटीन डिकोडर से जुड़ा है तो यही डिकोडर टी T1, टी वन टी टू इस तरह से टी फिफ्टीन यानी 16 टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट कर सकता है राइट टी जीरो से टी सिक्सटीन टी फिफ्टीन तक और बीच में भी इसे क्लियर के माध्यम से इंटरप्ट करके दोबारा किसी भी स्टेट से फोर के बाद सिक्स के बाद जब भी आप इस क्लियर को इनेबल करेंगे दोबारा जीरो से वो गिनना शुरू कर देगा आइए अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे काम करता है जब भी आप सीक्वेंस काउंटर है जब भी ये क्लियर होगा सबसे पहले क्लियर होने के बाद सबसे पहली जो ये क्लॉक टाइमिंग सिग्नल जनरेट होगा वो टी जीरो होगा फिर वो इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल पे ये इंक्रीमेंट होगा इंक्रीमेंट में फिर टी वन टी टू टी थ्री टी फोर इस तरह से ये सारे टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता रहेगा राइट right? मान लीजिए आपने ये कोई सीक्वेंस ये रखा हुआ है कि टाइमिंग फोर सिग्नल टी फोर जब टाइमिंग सिग्नल जनरेट हो और इस डिकोडर का डी थ्री डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री ये दोनों सिग्नल जब एक ही टाइम पे एक्टिवेट हो यानी डी थ्री भी वन हो और टी फोर दोनों वन हो तो हमने यहां पे क्या किया है सीक्वेंस काउंटर को रीसेट कर दिया क्लियर कर दिया है जब भी ये दोनों सिग्नल टाइम एक साथ एक्टिव हो दोनों एक साइड एक्टिव हो T4 अकेले में भी एक्टिव हो सकता है D3 अकेले में भी एक्टिव हो सकता है लेकिन जब ये दोनों एक साथ एक्टिव है तब सीक्वेंस काउंटर को क्लियर कर दे यानी कि T0 T1, T2, T3, T4, T5 ये नॉर्मली T15 तक टाइमिंग सिग्नल को जनरेट करता लेकिन T0, T1, T2, T3, T4, T4 हमने इसमें क्या किया T4 जब भी एक्टिव हो और साथ में उसी टाइम पे अगर ये D3 सिग्नल भी जनरेट हो एक्टिव हो तो ये सीक्वेंस काउंटर को क्लियर कर दे और उसके बाद T4 के बाद T5 ना जनरेट करके दोबारा T0 टाइमिंग सिग्नल को जनरेट करेगा आइए इस एग्जाम्पल को हम इस कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल डायग्राम की मदद से समझते हैं इस टाइमिंग डायग्राम में ये waveform, T4, ये लास्ट तीन की और क्लियर दिखा रही है कि बीच में किस तरीके से सीक्वेंस काउंटर को इंटरप्ट करके हम दोबारा T4 के बाद T5 सिग्नल जनरेट ना करके T0 सिग्नल जनरेट करते हैं क्योंकि D3 और T4 जब दोनों एक साथ इनेबल होंगे वन होंगे तो सीक्वेंस काउंटर यहां रीसेट हो जाएगा देखिए इनिशियली ये सीक्वेंस काउंटर का कंट्रोल सिग्नल ये इनिशियली रीसेट हो रहा है यहां पे ये 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 सिग्नल है 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 रीसेट क्लियर क्लियर हो हो रहा है। जब हो रहा जब इनिशियली यहां पे देखेंगे आप उसके बाद क्लियर होने के बाद ये क्या कर रहा है यहां से जैसे ये एस सी काउंटर जीरो हुआ क्लियर किया आपने तो उसके बाद यहां पे क्लियर हुआ तो यहां पे देखिए आप उसके बाद नेक्स्ट उसमें T0 टाइमिंग सिग्नल इसने जनरेट किया फिर उसके बाद T1 जनरेट किया राइट right? ये देखिए यहां पे ये T0 एक्टिव है फिर यहां पे T1 एक्टिव है फिर यहां पे T2 एक्टिव है फिर यहां पे T3 टाइमिंग सिग्नल एक्टिव है जिस वक्त ये T2 टाइमिंग सिग्नल एक्टिव है यहां पे D3 सिग्नल भी हाई हो गया ये भी वन हो गया लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या है टी टू और डी थ्री तो टी टू डी थ्री का कुछ नहीं कर रहा ये कोई और ऑपरेशन कर रहा होगा लेकिन आप देखेंगे ये, ये जनरेट तो किया टी थ्री हाई हो रहा है टी थ्री के बाद यहां पे टी फोर टाइमिंग सिग्नल जनरेट किया इसने तो यहां पे T4 हाई हो रहा है देखिए T4 हाई हुआ D3 थ्री चूंकि पहले से ही हाई था और यहां पर सीक्वेंस तो के बाद इस टाइमिंग सिग्नल के बाद आप देखो दोबारा यहां पे इस कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार इस इक्वेशन के अनुसार दोबारा से जो सीक्वेंस काउंटर है वो रीसेट हो गया राइट अब यहां T4 के बाद देखिए T5 नहीं आया है क्योंकि यहां यह काउंटर फिर से रीसेट हो गया है तो फिर से इसने T0 और फिर आके T1 इस तरीके से ये रीसेट होने के बाद T0 T1 सिग्नल इसने जनरेट किए तो यानी कि अगर यहां पर दोनों कॉम्बिनेशन नहीं होते D3 और T4 जो हमने यहां डिफाइन किए हैं नहीं होते तो टी फोर के बाद टी फाइव टी सिक्स टी सेवन टी सेवन टी एट टी नाइन ऐसे टी फिफ्टीन तक जाता है उसके बाद वो सीक्वेंस काउंटर ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाता और फिर टी जीरो रिसेट कर दिया तो आप इसको बीच में भी इंटरप्ट करके दोबारा उसको टाइमिंग सिग्नल टी जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं ये दिखाया गया इस टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल डायग्राम की मदद से तो इस लेक्चर में हमने देखा कि टाइमिंग ये माइक हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट किस तरह से काम करता है हमने देखा यहाँ पे ये दो डिकोडर हैं ये डिकोडर है डिकोडर डिकोडर है है ये बिट सीक्वेंस काउंटर से जुड़ा हुआ है। और ये इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये तीन बिट डिसाइड करती हूँ रिमोट सिलेक्शन बिट फिर जो भी ऑपरेशन करना है ये डी जीरो डी वन डी टू या डी सेवन तक डिफरेंट ऑपरेशंस हैं ऑपरेशंस को इनिशिएट करने के लिए माना डी जीरो जब सिग्नल एक्टिवेट है तो एडिशन करना है तो एडिशन को एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन से सोर्स रजिस्टर मतलब यानी कि ये यह यहां पर जो हमारे मिट कॉमन बस है इसमें सोर्स रजिस्टर को सेलेक्ट करेगा ऐसे ही डेस्टिनेशन रजिस्टर के लोड सिग्नल को सेलेक्ट करेगा ऑपरेशन होगा यहां पे एल को नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा कि यानी कि हाँ इसके अंदर एडर का सर्किट हो सकता है उसके लिए उसको इनेबल करने के लिए जो भी सिग्नल उसको चाहिए वो ये यह सब यहाँ से जनरेट ये कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिग्नल ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है और नेसेसरी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो हमने देखा किस तरीके से हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट काम करता है और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है और किस तरीके से एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है मेमोरी में आप जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होते हैं उस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल यूनिट टाइमिंग यूनिट और इंस्ट्रक्शन आपस में किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है और किसी भी आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद